Hindi? Okay. Before starting the session, I would like to read out this these details about Mr. Avinash Dharmadhikari, which is in Marathi. So, please consider. Mr. Avinash Dharmadhikari is an ex-IAS officer. IAS होण्यापूर्वी 10 वर्षे पूर्ण वेळ स्वयंसेवी कार्यकर्ते होते आणि याच काळात मुक्त पत्रकारिता त्यांनी केली. देशभर त्यांनी भ्रमंती करून ते अनुभव व चिंतन म्हणजे अस्वस्थ दशकाची डायरी हे पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं. 1986 या वर्षी ते IAS झाले. फलटण प्रांताचे उपविभागीय अधिकारी, मुंबई येथे राज्याच्या मुख्य सचिवांचे विशेष कार्य अधिकारी, संचालक पुराभिलेख विभाग मुंबई, रत्नागिरी व अमरावती येथील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, संचालक महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मुंबई येथील मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, IAS सेवेत असताना लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून केलेली ही त्यांची काही कामे आहेत. तसेच 1 मार्च 1996 रोजी त्यांनी IAS सेवेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर स्वच्छ आणि कार्यक्षम प्रशासनासाठी जनआंदोलन त्यांनी उभे केले. 2001 मध्ये नेहरू युवा संघटन या संघटनेची स्थापना केली. भारत सरकारच्या क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत संस्थेचे महासंचालक म्हणजेच डायरेक्टर जनरल या नात्याने ते दिल्लीत कार्यरत होते. 1996 राजीनाम्यानंतर चाणक्य मंडळ परिवार या शैक्षणिक न्यासाची स्थापना करून व्यक्तिमत्व विकसन, करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन ते करतात. इथून तयार झालेले अनेक विद्यार्थी सध्या देशातल्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय सेवांमध्ये कार्यकर्ता अधिकारी या भूमिकेतून कार्यरत आहेत. इतर अनेक जण जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपापला ठसा उमटवित आहेत. सरांची प्रकाशित पुस्तके म्हणजे अस्वस्थ दशकाची डायरी, जी मूळ मराठीत आहे, त्याचं इंग्रजीमध्ये भाषांतरण आहे डायरी ऑफ डिकेड ऑफ एगनी, नवा विजयपथ रात्र गहिरीच्या तिसऱ्या प्रहरी, स्वतंत्र नागरिक जिंकणारा समाज घडवण्यासाठी आणि आपण सगळेच, असे अनेक पुस्तक सरांनी लिहिलेली आहेत. तसेच विविध परीक्षांसाठी आणि UPSC सर्व्हिसेससाठी सुद्धा ते विद्यार्थ्यांना गाईड करतात. आज आपल्या इथे ते व्यक्तित्व आणि विकास या टॉपिकवर बोलणार आहे. इट इज दी टॉपिक विल बी ही विल बी स्पीकिंग फॉर एन आवर अराउंड अँड अकॉर्डिंगली वी विल ओपन अ हाऊस फॉर क्वेश्चन आन्सर्स. Career, these two are important aspects on which we require to work. I would not take much time of yours and would hand over the session to Dharmadhikari sir. If चुनाव जारी है तो डेमोक्रेसी कर लेते हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने हम में से चाहेंगे कि हम मैं हिंदी में बात करूँ. Okay, मराठी. Great. तो डेमोक्रेसी कहती है कि मराठी में बात की जाए. बिल्कुल. मेरा वादा रहेगा कि कोशिश करूंगा दोनों भाषाओं में बात की जाए. हर किसी भाषा की अपनी खासियत होती है, तो जहां कहीं जोक होते हैं तो वो जिस भाषा में जोक है उसी भाषा में कहना पड़ता है. मेरी तो धारणा है, जैसा कि किसी ने यहाँ पे कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कहीं दो भाषाओं में कहीं मुझे लगता है शत्रुता तो बहुत बड़ा शब्द है, कहीं भेद भी नहीं. मैं तो कहता हूँ दोनों भाषाएं संस्कृत से उपजी हुई हैं, दोनों भाषाओं का व्याकरण एक समान है, बहुत सारे शब्द भी एक समान है. मुझे लगता है कि जिसकी मराठी या तो मातृभाषा है तो उसे अनायास और सहजता से हिंदी समझ में आती है. yes. आणि उलट पण खरं आहे. याला पण मला यस ऐकू येते. एवढंच आहे की
अशी मराठी थोडी सावकाश बोललो तर मला वाटतं की हिंदी भाषिकांना पण समजते. शिवाय विदर्भ प्रदेशच असा आहे की जिथे सहजतेने हिंदी मराठी दोघेही म्हणतच असतात. तर मी आय विल ट्राय, कोशिश करेन. सबसे पहले तो बहुत अंतकरण से धन्यवाद करता हूँ पूरे रायसोनी ग्रुप का और इस उपक्रम का. आपसे जब से भी बात हुई तो वैसे भी नागपुर आने में हमेशा खुशी रहती है. सिर्फ तारीख वगैरह देखना पड़ता है तो जनवरी से बात चल रही है, आज मैं आ गया. मुझे पूछा भी गया कि कौन से विषय पर बात करना आप पसंद है, तो मैंने जानने की कोशिश की कि यह उपक्रम क्या है और उसके चलते किस विषय पे मेरा बोलना अच्छा रहेगा, जिसमें हम सभी को रुचि भी आए. और समझ लो डेढ़ घंटे बाद यहां से जब चलना है तो हर किसी को खुशी हो कि शाम का अपना वक्त किसी काम आया. किसी को यहां से निकलते हुए ऐसा ना लगे कि वक्त बर्बाद हुआ. तो ये तो दिन होते हैं दसवीं बारहवीं कक्षा के एग्जाम अभी पूरे हुए और जून के पहले सप्ताह में शायद रिजल्ट्स निकल के आएंगे. साथ साथ विश्वविद्यालय के एग्जाम भी होते हैं, उनके भी रिजल्ट जून के आसपास कहीं निकल आएंगे. कुल मिला के जीवन की आगे दिशा क्या की जाए, उसी में जीवन की दिशा में ही आता है करियर का विकास है. और मैं कहने वाला हूं कि करियर से भी बढ़कर है व्यक्तित्व का विकास. तो मैंने ये प्रस्तावित किया कि चलो इस विषय पे बात कर लेते हैं. इस पर हाँ कहने के बाद में फिर मैंने सोचा कि जो सामने विषय लिखा है व्यक्तित्व और करियर का विकास, त्याची मी सुरुवात तुम्हाला एक गोष्ट सांगून करणार आहे. आणि आधी हे सांगतो की आपण ज्या तऱ्हेने आहोत, शिवाय संयोजकांची ऑडियन्स प्रोफाईल जाणून घेण्याचा प्रयत्न असतो, कोणाशी बोलणार आहोत आपण, हे काही एकतर्फी भाषण नसतं की एक स्टँडर्ड रद्दीप घालण्याचा मराठीतला शब्द आहे, त्याचं मला हिंदी आठवू दे का रे. असं स्टँडर्ड रद्दीप घालण्याचा प्रकार नसतो. आपण कोणाशी बोलणार आहोत त्यांच्यापर्यंत आणि त्यांच्या म्हणजे मेंदू आणि हृदय दोन्हीपर्यंत विषय पोहोचायला पाहिजे. शिवाय मला तुमच्याकडे पाहिल्यावरही असं वाटतंय की त्यांना मी विचारलं होतं, प्रश्नोत्तर असतात का, क्वेश्चन अँड आन्सर, आणि ऐकणारे किती लाईव्हली आहेत म्हणजे विचारतील प्रश्न. तर माझा दावा आहे हा व्हाईब्स, व्हाईब्स नावाची एक ऍबस्ट्रॅक्ट गोष्ट आहे. तर इथे पाऊल टाकल्या क्षणीचे माझे व्हाईब्स आहेत की प्रश्नोत्तर लाईव्हली होतील. म्हणून मी प्रयत्न करणार आहे, सांगायचा आहे तो मुद्दा कमी वेळात ठेवून आपल्या प्रश्नोत्तरांना जास्ती वेळ राहावा. सगळा मिळून मुद्दा जेवढ्या थोडक्यात सांगायचा असेल तर तो एका गोष्टीत येतो. आणि मैं कोशिश करूंगा, चलो ये कोशिश करते हैं कि ये कहानी हिंदी में बताई जाए. एक्चुअली मी मराठीत बोलणं चालू केलं मला काही चेहरे थोडे रागावलेले वाटले. ते काय स्वतःला काय पुण्यातले समजले काय, हे काम पुण्याचं असतं, विदर्भाचं नाहीये. तुमची गोची करून ठेवली समजुतीने, ते म्हणजे विदर्भातला माणूस दिलदार असतो, समजूतदार असतो, सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर तुम्ही एवढे दाखवू नका बोली दिली. तो मेरी तरफ से कहता हूं चल कोशिश कर लेते हैं. जहां भी मुझे लगे कि जिस फ्लुएंसी के साथ, एक्चुअली भाषा में एक लय होती है, भाषा में एक दम भी होता है, एक जो कहना है हर भाषा के प्रकृति धर्म के अनुसार. ये तीन दोस्तों की कहानी, और कहने से पहले बता दूं कि सच्ची कहानी है, नाम बाद में बताऊंगा. ये बचपन से तीनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं.
उसमें से एक किताबी पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है का मतलब उसने जिंदगी भर कभी पहला नंबर नहीं छोड़ा। पहले नंबर की क्या बात है, उसने तो जो एग्जाम दिया उसमें गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। दूसरा है कि जो मध्यम मध्यम है वो वैसे 90-95% अंक हासिल करने के रिस्क भी नहीं लेता था। उसको पूछो तुम्हारे कितने गुण अंक निकल आए तो वो सीना तान के कहेगा सेकंड क्लास ऑनर्स, लेकिन कभी वो फेल नहीं होगा। और तीसरा है कि उसे भी पूछो ये तुम्हारा कौन सा साल चल रहा है, इसको कॉलेज का कौन सा साल चल रहा है, तो वो भी सीना तान के कहेगा ये मेरा FY FY है। फिर अगले साल कहेगा अब मेरा SY FY है, फिर TY FY है। ऐसा एक एक साल क्लियर करना उसकी हुआ करती थी पंचवार्षिक योजना। लेकिन उसको खेल के मैदान में देखो तो उसका स्पीड, उसका उत्साह, या कॉलेज में कोई भी उपक्रम करना हो तो उसमें जो इनिशिएटिव है, नेतृत्व गुण है, सब दोस्तों को साथ लेके बड़े उत्साह के साथ कॉलेज का गैदरिंग है, विशेषकर या तो कॉलेज के या विश्वविद्यालय के चुनाव है उसमें वो अग्रेसर रहा करता था। ऐसे तीन दोस्त आप सुनते ही समझ पाओगे कि ऐसे ही तीन दोस्त हो सकते हैं। तीनों किताबी पढ़ाई में बहुत होशियार, या तीनों मध्यम मध्यम, या तीनों डफर, अपने दोस्त नहीं हो सकते एक दूसरे के, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपटीशन है। लेकिन जिन तीनों की कहानी में कहने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यह जो पढ़ाई में अच्छा है उसे अगर कॉलेज में कोई तकलीफ दे तो वह तीसरा दोस्त आके पकड़ लेगा तकलीफ देने वालों को, क्यों बे साले तेरे को अपने पैर पे घर जाना है कि नहीं जाना है। और उसके बदले ये जो किताबी पढ़ाई में होशियार, चालाक, अंक अच्छे निकल अंक लेने वाला, गोल्ड मेडल हासिल करने वाला जो दोस्त है वो फिर अपने तीसरे मित्र को बताएगा कि तुम टेंशन मत लेना, एग्जाम में मैं तुमको बताऊंगा फॉर्मूला, वो चाहे समझ में आए ना आए तुम वो कंठस्थ कर लेना तो तुम्हारे अंक निकल के आएंगे। तो वो कहता है कि A+B² = A² + 2AB + B² एग्जाम में सवाल आता है X+Y² और ये अपना तीसरा दोस्त उत्तर नहीं दे सकता है। एवढा बाबा मी तुम्हाला सांगतो की हाई बाब नुसता जोक नाही आहे, जेवढा माझा आता झाला बाब ही बाबासाहेब पुरंदरेंची गोष्ट आहे। आम्ही आता येण्याच्या आधी सुद्धा बाबासाहेबांचं नाव निघालं, असं करायचं असतं त्यांचं नाव निघालं। आधी महाराष्ट्राला मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी, अंग्रेजी या दुनियाभर की सारी भाषाओं में शिवाजी महाराज का चरित्र बताया जाए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि शिवाजी महाराज मात्र किसी एक प्रदेश हो या कोई भाषा हो या हमारे दुर्भाग्य की बात है कि किसी विशिष्ट जाति हो इसके नेता नहीं है, शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष है पूरे और दुनिया के इतिहास में अगर ऐसे चंद नाम चुनने ते बाबा साहेबांनी सांगितलेले, तो आम्हाला पुण्यामध्ये ही गोष्ट स्वतः बाबा साहेबांनी स्वतःबद्दल सांगितलेली आहे। ते पुण्याच्या भावे स्कूल मध्ये होते आणि गणित विषयामध्ये नापास व्हायचे, जुन्या पिढीचं मॅट्रिक, तर त्यांनी दोनदा नापास झाल्यावर एका आपल्या हुशार मित्राचे पाय धरले की मला यातनं सोडव, त्यांनी सांगितलेलं होतं की तुला सांगतो एवढे फॉर्म्युले पाठ कर, A+B² = A² + B² + 2AB + B² बाबासाहेबांनी ते पाठ केलं, खरंच परीक्षेत X+Y आलं
आणि खरच बाबासाहेबांना उत्तर देता आलं नाही. ते बाहेरून मित्राला म्हणाले, आयला वंडरवा तू आपल्याला. काय बिघडलं का बाबासाहेबांचं? तो मुद्दा तो मैं वही कहने जा रहा हूं, लेकिन किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है. तो पहले मित्र को कोई कॉलेज में कोई गुंडागर्दी करे उसके साथ, तो तीसरा जाके पकड़ेगा गुंडागर्दी करने वाले को. इसके बदले में वो पहला मित्र तीसरे मित्र को फॉर्मूला वगैरह बता के देख लेगा कि वो पास होता है. हाँ, सही बात है, सही बात है. तुम लगते हो पहले वाले को. और जो बीच में है वो पढ़ाई के लिए पहले वाले मित्र से मदद लेता है, और कॉलेज में प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए तीसरे वाले को. और जो पहला और तीसरा है दोनों को एक ऐसा भी मित्र जरूरी होता है ना कि जो साथ में है. तीन मित्रों की कहानी है. और जो मैं तो कह रहा हूं कि सच्ची कहानी है, जिस जमाने में है वहां से लेकर के, एक तरह से मुझे दुख है कि अभी भी वो सच है. ये समझा जाता है कि बुद्धिमान कौन है, तो परीक्षा में जिसके मार्क अच्छे निकल के आते हैं वो बुद्धिमान. और करियर अच्छा कौन सा है, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग सबसे अच्छा करियर है. और फिर किसी नौजवान युवक हो युवती हो तो उसका व्यक्तित्व निखर कर आया है, बेहतरीन है, तेजस्वी है, और उसका फ्यूचर अच्छा है, कब माना जाएगा? तो उसके एग्जाम में अंक कितने निकल के आए, तो चाहिए कि 10वीं में 90-95% हो, इसलिए कि 11वीं में चल के साइंस फैकल्टी मिले. अब 11वीं में साइंस फैकल्टी क्यों चाहिए, तो 12वीं में या तो पीसीबी या पीसीएम, या महाराष्ट्र में दोनों को अनुमति है तो पीसीएमबी. और इतना क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है, क्योंकि कहीं तो समाज में उसमें माता पिता जी भी आते हैं, रिश्तेदार हैं, सरकारी नीति भी है. और इसलिए शायद युवाओं ने भी समझ के ठान लिया है कि अगर कोई अच्छा करियर है तो वो है मेडिकल और इंजीनियरिंग. ये जो समीकरण है उन्हीं के चलते जिनका मैं किस्सा बता रहा हूं, उसमें से जो पहला वाला है वो तो जैसा मैंने कहा हर एग्जाम में नंबर वन. वो पुराना जमाना है शायद, जो यहां बैठे हुए बुजुर्ग हैं शायद उनके उनको याद होगा. वो उन दिनों 11वीं मैट्रिक हुआ करता था, फिर एक कॉलेज में पीडी नाम का साल, प्री डिग्री कहते थे उसको. और अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना है तो FY में आपके कितने अंक निकल आए, इस आधार पर तय हुआ करता था कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो जिस जमाने की कहानी है उस जमाने में 10+2+3 नहीं था, 11+4 था. तो हमारा जो पहला मित्र है उसने तो 11वीं में भी, और जिनकी कहानी वो महाराष्ट्र की नहीं लेकिन वो वैश्विक है कहानी, तो हमें भी लागू पड़ती है. उसने 11वीं में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, साइंस फैकल्टी में गया, प्री डिग्री में भी गोल्ड मेडल है और FY में भी गोल्ड मेडल है, तो इंजीनियरिंग में गया. जिस जमाने की कहानी है उस जमाने में BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पहला प्रेफरेंस हुआ करता था, इसलिए उसने BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया. चारों साल गोल्ड मेडल लेते हुए वो हो गया BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और फिर आसपास देखने लगा कि अब जॉब क्या करूं, तो किसी ने उसको बताया कि अखबार में विज्ञापन छपा है और उसमें भारत सरकार के किसी विभाग में Class 1 की पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस कहे गए बिल्कुल तुम्हारे ये, तो एप्लीकेशन कर दो. उसने एप्लीकेशन किया, दिल्ली में UPSC में उसका इंटरव्यू हुआ. और क्या विचार है कि उसको नहीं चुना जाए, करियर इतना बढ़िया है, तो उसको चुना गया. और हमारा जो सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला एग्जाम में जिसके मार्क बहुत अच्छे निकल के आते थे, हमारा जो टॉपर हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट हमारा मित्र, उसका करियर शुरू हुआ भारत सरकार में Class 1 के एक अधिकारी के रूप में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. हमारा दूसरा मित्र, तो उसको कहा साइंस के लिए मार्क है,
फिर तो आज भी वही समीकरण है ना केशर, अगर साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाई तो देख लो कि कॉमर्स में ले लो, और कॉमर्स में अगर एडमिशन ले लिया तो 12वीं में सीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो दे लो, अगर क्लियर हो गए तो किसी सीए के साथ आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुए तो ठीक है बाकायदा बीकॉम कर लो और फिर एक बार सीए ट्राई कर सकते हो, या बीकॉम के बाद में तो बहुत सारे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर जो करियर के पर्याय है बहुत सारे, कोई एमबीए कर लेंगे, सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, ICW कॉस्ट अकाउंटिंग नाम के जो ब्रांच है उसमें है बहुत सारे, और आर्ट्स में कौन एडमिशन लेता है तो ये समझा जाता है कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिले वो आर्ट्स में जाएगा, आर्ट्स मंजे गाढ़ असं मला पालकच म्हणतात, हां गाळचा कोणीतरी हिंदी शब्द सांगा, छल्ली के हुआ, हां छल्ली के हुआ, नाही नाही नाही, कीचड़, कीचड़ से भाई भाई क्लोजेस्ट जाएगा कि जो पानी और कीचड़ से भरा हुआ है, माने वो जगह वो जैसे है कि जैसे वहां शरीफ आदमी कदम नहीं रखे, मला काय शब्द संसद ऐकू येतो का, आर्ट्स म्हणजे गाळ, जे स्वतःची मुलं मुले आर्ट्सला असतात असे आई वडील सुद्धा मला अनेकदा बोलताना म्हणतात की ते जरा कमी पडले की नाही आमचा मुलगा किंवा मुलगी आर्ट्स आहे, आपण 2 मिनिटात पाहणार आहोत हे कितपत बरोबर आहे ते, लेकिन जो दूसरा मित्र है उसको कहा, उसको साइंस इंजीनियरिंग या मेडिकल की बात तो छोड़ ही दो, साइंस में भी एडमिशन मिलने के लायक मार्क नहीं थे, न कॉमर्स में उसने शांति से आर्ट्स में एडमिशन ले ली, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो कभी फेल नहीं होगा, हर साल अगले वर्ष में जाते हुए उसने पूरा किया बीए पॉलिटिकल साइंस राज्यशास्त्र विषय लेकर, और फिर उसने आसपास देखना शुरू किया मैं क्या करूं, तो उसको किसी ने बताया कि तुम्हारे पास आर्ट्स डिग्री है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारे लिए अच्छे हैं, यूपीएससी एमपीएससी है, हमारे यहाँ विदर्भ में अभी भी यूपीएससी एमपीएससी के बारे में जो अवेयरनेस थोड़ा कम है, महाराष्ट्र के भी बाकी हिस्सों में जो 20 साल पहले नहीं हुआ करता था अब है, लेकिन मुझे लगता है कि विदर्भ में और भी करियर का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके बारे में जानकारी भी और फिर उसके जो मार्गदर्शन की व्यवस्था चाहिए, लेकिन इसको किसी ने बताया कि तुम्हारे पास आर्ट्स की डिग्री है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें फायदा है ट्राई कर लो, तो हमारे दूसरे मित्र ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और वो आईएएस हो गया। अब आईएएस तो सभी विभागों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं, इसलिए वो अपने आप को बड़े सयाने समझते हैं कि नो ऑल, जैसे दुनिया में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो ये आईएएस हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि उसका ज्यादा मार्क लेने वाला गोल्ड मेडलिस्ट मित्र जिस विभाग में जूनियर लेवल पर था उसका प्रमुख बन गया है, उरला अपना तीसरा मित्र, त्यांनी वेळच्या वेळी लक्षात घेतलं कि अभ्यास विभ्यास का आपलं काम नाही, त्यांनी योग्य वेळी योग्य पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली, निवडून आला दोघांच्या खात्याचा मिनिस्टर, आज की शाम आपको जो मैं कहना चाहता हूं सभी मुद्दे इसमें हो गए, सभी हो गए इसमें, तो जो मुद्दे हुए वो शास्त्रीय रूप से बताने से पहले तीनों के नाम बता देता हूं, ये सच्ची कहानी है, पढ़ाई में जो बहुत माहिर है जिसकी करियर भारत सरकार में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में शुरू हो गई, उनका नाम है ई श्रीधरन साहब, भारत के मेट्रो में, अब श्रीधरन साहब अभी उम्र के 50 के आसपास हैं, फिर भी नौजवान हैं, भारत सरकार में उनका पूरा करियर एक आदर्श करियर के रूप में है, जो कि जो छोटे रूप में मेरा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास है उसका एक आदर्श है,
My description is clean and efficient officer. इसको हमने शब्द दिया है, वो मराठी और हिंदी दोनों में एक समान है. मुझे तो लगता है कुल मिला के ज्यादातर भारतीय भाषाओं में यही शब्द आएगा. उसको हमने कहा कार्यकर्ता अधिकारी, कसा पाहिजे अधिकारी, स्वच्छ आणि कार्यक्षम दोन्ही पाहिजे. एक नाही चालणार, काहीतरी स्वच्छ आहे पण कार्यक्षम नाही तर तो युसलेस आहे, आणि कार्यक्षम आहे पण स्वच्छ नाही तर द सिव्हिल सर्व्हिसेस आर फुल ऑफ सच ऑफिसर्स. वी नो दे आर देअर, दे नो हाऊ टू गेट थिंग्स डन, बट दे हॅव देअर ओन कट्स ऑफ कमिशन्स इन्क्लुडिंग इगो एटसेट्रा. हमारा सपना है, हमारा अगर मैं इसको विजन शब्द कहूं तो वो है जिनके पास ये दोनों क्वालिटीज है, क्लीन एंड एफिशिएंट. उसके लिए हमने इस शब्द का उपयोग किया है कि वो भारतवर्ष के कार्यकर्ता अधिकारी है. उसके पीछे भी भाव है कार्यकर्ता अधिकारी के पीछे कि हर अधिकारी इस भाव से काम करे कि मैं पूर्णकालीन सामाजिक कार्यकर्ता हूं और महीने की एक तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो कहीं नासिक रोड में छपे हुए नोटों से नहीं मिलती है, या सरकार नाम की जो फेसलेस एक व्यवस्था है वो नहीं देती है, हर आम आदमी देता है मेरी तरफा. और मेरा काम है कि सूद समेत वापस करना. इसको हमने शब्द दिया है कार्यकर्ता अधिकारी. तो श्रीधरन साहब के रूप में एक आदर्श कार्यकर्ता, और उन्होंने इतना बड़ा काम किया. मेरे पास अभी भी समय कम है इसलिए मैं थोड़े में कह रहा हूं. एक हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद अब जो 72 साल निकल गए हैं उनमें मात्र एक ही बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो समय से पहले पूरा हुआ. एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा काम कार्यक्षमता से नहीं होता है, टीम वर्क अच्छा नहीं होता है, इसलिए देयर आर व्हाट आर कॉल्ड एज कॉस्ट ओवररन्स एंड टाइम ओवररन्स. कुछ बात सही समय पे होती ही नहीं है. इसलिए जिस प्रोजेक्ट का मूल समझ लो बजट 10,000 करोड़ का हो, वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए 1,00,000 करोड़ तक पहुंच जाता है. हम दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, लेकिन पिछले 72 सालों में एक ही बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा है जो सिर्फ समय पर नहीं समय से पहले पूरा हुआ, वो है श्रीधरन साहब के नेतृत्व में जो कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट हुआ, वो प्रोजेक्ट है. और कोंकण रेलवे है 100% इंडियन टेक्नोलॉजी, 100% इंडियन कैपिटल, 100% एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंडियन, एंड द ट्रैक्स आर वर्थ बुलेट ट्रेन्स, माइंड यू द ट्रैक्स आर वर्ल्ड क्लास. तो श्रीधरन साहब के नेतृत्व में भारत के इंजीनियर ने दिखा दिया कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास है. हमारे देश की समस्याओं को हम अपनी स्वतंत्र बुद्धि से हम उत्तर निकाल सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं, वो श्रीधरन साहब. और दिल्ली में मेट्रो बनाना था तब सरकार ने उनको मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया. उसके बाद मुंबई के भी वो सलाह उनके साथ सलाह मशवरा होके ही होता है, नागपुर की भी वही बात है, और अभी पुणे में मेट्रो का काम जारी हो रहा है. अभी इन दिनों उनका एक बायोग्राफी आ गई है, उसको नाम दिया गया कर्मयोगी. वो हर सही मायने में कर्मयोगी है. ओरिजिनल बुक इज रिटन इन इंग्लिश बट आई नो दैट नाउ एटलीस्ट हिंदी एंड मराठी ट्रांसलेशन ऑल्सो आर एडेड. तो जो पढ़ाई में बहुत अव्वल नंबर लेके आएगा गोल्ड मेडल, उसका करियर ये श्रीधरन साहब. जिसका समझ लो पढ़ाई में मध्यम मध्यम है करियर, सेकंड क्लास ऑनर्स और आर्ट्स की डिग्री ले ली उसने, लेकिन IAS अफसर बन गया, वो सेशन साहब है, TN सेशन. मैं उम्मीद करता हूं कि हम भूले नहीं होंगे उनको. मेरा उनका बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, जैसे बेटे और पिताजी के समान. और मुझे बहुत बड़ा दुख है कि इन दिनों उनको चेन्नई में रहते हैं और डिमेंशिया है. ही सफर फ्रॉम डिमेंशिया. नाउ ही डोंट ही डजंट रिकॉग्नाइज पीपल ऑन देयर आर ओनली ब्रिलियंट फ्लैशेस वेयर ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज पीपल, वेरी हार्ड ट्रेंडिंग. लेकिन जिन दिनों उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया कि अब दुनिया याद करेगी. और IAS में भी जो उनका पूरा करियर है एकदम बेहतरीन और एक आदर्श करियर, वो शेषन साहब. और तीसरा नाम हो सकता है कि हम भूले होंगे,
क्योंकि वो हमें से चल बसे इसके अभी 20 साल हो रहे हैं, 20 साल पहले। लेकिन तीसरा जो पढ़ाई में बहुत माहिर नहीं था, लेकिन उसने राजनीति में प्रवेश किया, और कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जो भी उसका अपना कर्तृत्व है उसके आधार पर वो बन गया भारत सरकार के कैबिनेट का एक मिनिस्टर, जो मुझे लगता है हम नाम शायद भूले होंगे, उनका नाम है के.पी. उन्नीकृष्णन। तो श्रीधरन साहब, टी.एन. शेषन साहब और के.पी. उन्नीकृष्णन साहब, ये तीनों केरला के पालघाट प्रदेश में बचपन से एक स्कूल में एक कक्षा में थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। और इतना ही नहीं है, तीनों के करियर में एक समय ऐसा था कि जब श्रीधरन साहब रेलवे डिपार्टमेंट का जो सर्वोच्च पद है उसका नाम है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, तो वो थे, वो अपने कर्तृत्व के आधार पर पहुंचे सर्वोच्च पद पर, वो बने चेयरमैन रेलवे बोर्ड। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मेरे कहने से पहले मुझे पता चला ही था कि आप जानते हैं पहले से कि आईएएस अफसर एक दो विभागों के अपवाद अगर छोड़ दें तो बाकी बहुत सारे, बाकी सारे विभागों के सर्वोच्च प्रमुख आईएएस अफसर होते हैं। तो जब श्रीधरन साहब रेलवे विभाग के सर्वोच्च पद पर थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, तो उस वक्त टी.एन. शेषन साहब थे रेलवे सेक्रेटरी और देश के रेलवे मंत्री थे के.पी. उन्नीकृष्णन। आज के शाम की सारी कहानी हो गई। अभी मैं बताने जा रहा हूं कि क्या हो गया। एक है पहली गलत फहमी कि सिर्फ एग्जाम में मार्क हासिल करना ही बुद्धिमत्ता का परिचय है, ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। बुद्धिमत्ता के अनेक प्रकार है, उसमें से एक प्रकार का नाम है एकेडमिक इंटेलिजेंस, एंड द वन हु हैज एकेडमिक इंटेलिजेंस में परसू एकेडमिक करियर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग मेडिकल अच्छा करियर नहीं, वहां मैं दो मिनट में पहुंच ही रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी युवक युवती को इसी एकमात्र स्टैंडर्ड या मेजरमेंट के आधार पर उसके बारे में निर्णय करना गलत है, उस युवक या युवती पर अन्याय है। सिर्फ किताबों की पढ़ाई और उसमें भी तुम बुद्धिमान हो या नहीं हो और उस बुद्धिमत्ता के आधार पर तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है या नहीं है और तुम्हारा करियर अच्छा होगा या नहीं होगा, मात्र इसी बात पर तय होगा कि तुम्हारे एग्जाम में अंक कितने निकल आए, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि विशेषकर नौजवानों को तो इसका खुलासा करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अक्सर देखते होंगे और जो माँ पिताजी सभी बैठे वो भी जानते होंगे कि अक्सर कक्षा में ऐसे मित्र होते हैं कि जो किसी भी सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे देते हैं, जो विषय जारी है कक्षा में वो उनको बहुत अच्छी तरह से और जल्दी समझ में आ जाता है। कक्षा में किसी को कहीं कोई कठिनाई हो तो बाकी मित्र उसको पूछते हैं कि भाई मेरे समझ में नहीं, मुझे बता दो, लेकिन आगे चल के एग्जाम में देख लो तो उसके मार्क कम निकल आते हैं और दूसरे किसी के ज्यादा निकल आते हैं। कई कई जने तो इतने एक्सपर्ट असतात, वर्षभर ऐश करायची, परीक्षेच्या 15 दिवस आधी आपल्या कुठल्या तरी मित्राकडनं वही घ्यायची, मित्र किंवा मैत्रीण, आणि वर्षभर जे नियमित तास केले, नीट नोट्स घेतले, नीट अभ्यास केला, लायब्ररीत बसत होता, वर्गातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देत होता, त्याची वही घ्यायची, 15 दिवस अभ्यास करायचा, परीक्षेचे निकाल येतात तेव्हा ह्याला जास्त मार्क असतात आणि ज्याने अभ्यास चांगला केलेला असतो त्याला कमी मार्क असतात। सिर्फ एग्जाम के गुणों के आधार पर किसी तरह का क्लासिफिकेशन करना और स्टैंप लगाना कि तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम्हारे 95% निकल आए और तुम बुद्धिमान नहीं हो क्योंकि तुम 35 भी निर्णय ले पाए, गलत है, सरासर गलत है। एक्चुअली किसी परीक्षा में मार्क प्राप्त करना और उस विषय की बहुत अच्छी सूझबूझ होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें, बिल्कुल अलग बातें। बिना विषय समझे
और एग्जाम टेक्निक के आधार पर बहुत सारे मार्क तो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर विषय नहीं समझाए तो जीवन में आगे विकास नहीं होने वाला है। लेकिन निर्णय करियर के बारे में तो इसी आधार पर होते हैं कि दसवीं में कितने मार्क निकले, इसलिए साइंस में जाओ। अब वो अगली बात है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही अच्छा करियर है, ये भी एक बड़ी गलत फहमी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल अच्छा करियर है किसके लिए है? तो जिसे गणित विषय में रुचि है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि अनायास सहजता के साथ गणित के साथ दोस्ती कर लेती है, वो इंजीनियर हो जाए अच्छी बात है। मला एवढा भाग खरंच मराठीत बोलावं लागणार आहे, समजावून घ्या सर, काही काय बंधन आहे का की नाही गणित आलंच पाहिजे? बंधन आहे का गणित आलं पाहिजे? सेम मेडिकलच्या करिअर बद्दल आहे की बायोलॉजी, ज्याला सहजपणे बायोलॉजी हा विषय आवडतो समजतो, बायोलॉजी मध्ये ज्याचा जीव सहजपणे रमतो, समोर बायोलॉजीचं पुस्तक किंवा तास असला तर त्याला चालू विषय मिळेल असा सहजपणे समजतोच। कल्पना करा की मोकळा वेळ आहे आणि काय नाही, तुला कोणी विचारणार नाही की या वेळात तू काय करणार आहेस, तरी तो आनंदाने बायोलॉजीचं पुस्तक घेऊन बसतो आणि त्याच्यात त्याला मजा येते, त्याचा फील्ड आहे बायोलॉजी। पण अरे काय बंधन आहे का की नाही सगळ्या मुलांचं गणित चांगलं असलंच पाहिजे, गणितात 100 पैकी 99 100 मिळाले तरच तो मुलगा किंवा मुलगी हुशार आहे, आणि बायोलॉजी आलंच पाहिजे तरच तो मुलगा आणि मुलगी। भयंकर गैरसमज आहे, भयंकर, आणि त्याच्यात नव्या पिढीवर अन्याय आहे। कारण एक कमी वेळात सांगायचा प्रयत्न करीन मी, पण पाहतो मी बडे बडे इंजिनियर को भी पूछ लो कि तुम्हें पूरा गणित पसंद है क्या और पूरे गणित में रुचि है क्या, तो गणित के मुख्य भाग दो है बेसिकली, बेसिकली एरिथमेटिक और दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आता आपण भले टॉपर असलेले इंजिनियरना सुद्धा विचार, गणितज्ञांना सुद्धा विचार, तर मी खात्रीने सांगतो गणितात सुद्धा ते, पण कोणी म्हणतं की ते ज्योमेट्री ते त्रिकोण चौकोन गोल थ्री डायमेन्शनल असेल तर शंकू पाय आर स्क्वेअर एच असे त्याच्या क्षेत्रफळाचा फॉर्म्युला आहे, ते मोजतं त्यांना उलट त्रिकोणाचे कोण, पण त्यांना एबीसी म्हणजे कॉन्स्टंट किंवा एक्स वाय झेड म्हणजे व्हेरिएबल्स, त्याच्याशी खेळायला मजा येते। ते म्हणतात आम्हाला अल्जिब्रा जास्ती आवडतं ज्योमेट्री नाही आवडत, याच्या बरोबर उलट कोणीतरी दुसरा म्हणतो की ते कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल चालू झाले की त्याला त्याचे घरघरा लागतात कुठं एबीसी एक्स वाय झेड, पण याच्या उलट समोरचे कागदावरचे आकार आय एम रिअली टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ कॅल्क्युलेटिंग अँड फाइंडिंग आउट इंटेलिजन्स देर आर व्हेरियस टेस्ट अँड द फर्स्ट वन आय रिफर टू इज कॉल्ड न्यूमरिकल एबिलिटी, द सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेशियल, इट रिफर्स टू स्पेस, समोरचे कागदावरचे आकार, आणि ते पाहून त्याला असं पटपट पटपट सहजपणे येतं। ज्योमेट्री आवडतं तो म्हणतो मला अल्जिब्रा नको वाटतं, ज्याला ज्योमेट्री आवडतं त्याला ट्रिग्नॉमेट्री आवडायची शक्यता नाकारता येत नाही असे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजलं। कारण ट्रिग्नॉमेट्री म्हणजे एकच राईट अँगल ट्रायंगल। एक आपले वेदकालीन ऋषी मुनी आणि पायथागोरस हे एकाचे होते एक तर निरुद्योगी आणि विकृत, यांना काय मुलांचे आयुष्य सुखाने चालले हे सहन होत, म्हणून त्यांनी फावल्या वेळामध्ये राईट अँगल ट्रायंगलच्या डायगोनल मध्ये गोटी दिली धरमळ सोडून म्हणले बसा आता सोडवत साईन कॉस्ट काय, आणि ट्रिग्नॉमेट्री शिकायची वेळ आली तर साईन कॉस टॅन पर्यंत कशी कशी धक्के खात गाडी पुढे जाईल, एकदा का कॉस अपॉन साईन टॅन अपॉन साईन की आपण तो असू दे ना आमचं काही म्हणणं नाही त्याच्याही पुढची ब्रँच गणिताची म्हणजे कॅल्क्युलस, कॅल्क्युलस कॅल्क्युलस शिकायची वेळ येणे म्हणजे मागील जन्मातील पापे फेडण्याची। आणि जाता जाता मी तुम्हाला सांगितलं बिलकुल अजिबात खोटा अभिमान बोलत नाही, वेदो में विज्ञान है, ये बिल्कुल मैं पढ़ाई के आधार पर कह रहा हूं कि वेदों में विज्ञान है, अभी ये सब कहने का वक्त नहीं है,
लेकिन जिसको जाना जाता है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये वेदों में है, उसका जो शुल्क सूत्र है उसमें है, और हमारे यज्ञों की जो रचना हुई हुआ करती थी वो हमारी भूमिति के जन्म का स्थान है उस आधार पर। और ये मात्र मैंने कह रहा हूं, पाइथागोरस ने डायरी रखी है और उसमें अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें उसने कहा है कि पूरी भूमिति में भारतवर्ष में पढ़ के वापस आए, हम ही भूले हैं। और मेरा कोई विषय है तो नहीं, लेकिन कहे बगैर मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा कि हमारी सभ्यता की जो सही महानता है वो हमें ठीक से बताई ही नहीं जाती है, न पद न किताबों में न कहीं भी सिलेबस में हो, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष ने प्राचीन जमाने में बहुत प्रगति कर ली थी और अब वो फिर से भारत करने की कगार पर खड़ा है। मिशन शक्ति मॉम का ही है तुम, बट जसे है वेदकालीन ऋषि आणि पायथागोरस विकृत होते तसा तो न्यूटन आणि जर्मन शास्त्रज्ञ लिबनिस हे पण विकृत लेखाचे। कॅल्क्युलस ही ब्रँच ह्या दोघांनी निर्माण केली, दे आर कॉन्टेम्पररीज ऑफ इच अदर, एकाच काळात निर्माण केली। आणि तिकडे न्यूटन वर्ष 1666 आहे एक्झॅक्टली, ही वॉज जस्ट 22 इयर ओल्ड, लंडन मध्ये कॉलराची साथ आली होती म्हणून न्यूटन फॅमिलीचे ऍपल ऑर्चर्ड्स होते जवळचं वुलथॉर्प हे गाव, आता ते बाहेरचं राहिलेलं नाही, इट्स बिकम अ सबर्ब ऑफ लंडन, पण हे न्यूटन फॅमिलीच्या वुलथॉर्पला जाऊन राहिले होते। आणि हा वयाच्या 22व्या वर्षी दुपारच्या वेळा एका सफरचंदाच्या झाडाला पाठ टेकून बसला होता एकटाच, बिचाराच्या वाट्याला दुर्दैव काय आलं पहा की 22व्या वर्षी बागेमध्ये बसलाय पण एकटाच बसलाय। त्याच्या समोर एक सफरचंदाचं फळ खाली पडलं, हा म्हणला खालीच का पडलं वर का नाही गेलं, तुला काय करायचंय खा नाही का जसं तुझ्या पूर्वजांनी केलं म्हणून पुढचं विश्व निर्माण झालं अशी बायबल मधली स्टोरी आहे, ओल्ड टेस्टामेंट मधला जेनेसिस हा चॅप्टर, पण नाही हा म्हटला खाली का पडलं वर का नाही गेलं, पण त्यातून एंटायर मॉडर्न फिजिक्स वॉज बॉर्न। त्यातून त्यांनी शोधलं that the force because of which an apple falls down is the same because of which earth revolves around the sun and then eventually it's the same because of which electron revolves around the proton. Entire progress is based on the single question that a 22 year old kid thought of at his age of 22. And Newton evda vikrut कि गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावून काय त्याचं समाधान नाही, ते आपण लोकांना अजून पुरेशा त्रासाची व्यवस्था केलेली नाही। गुरुत्वाकर्षणाचा अर्थ त्याचं नाव इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ, दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज, आपण म्हणतो बरोबर। ह्यांनी पुढे अख्खी फिजिक्सची एक नवी ब्रँच शोधली, तिचं नाव थर्मोडायनामिक्स। आधी नुसत्या फिजिक्स मधले गतीचे तीन सिद्धांत थ्री लॉज ऑफ ऍक्शन सांगितले, त्याचं समाधान नाही झालं। थर्मोडायनामिक्स हिंदी किंवा मराठी शब्द आहे औष्ण भौतिकी, त्याचे तीन लॉज होते, त्यातला तर सेकंड लॉ नी मानवतेचीच गोची करून ठेवलेली। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज थर्मो एन्ट्रॉपी, आणि ऍट द सिम्पलेस्ट लेवल एन्ट्रॉपी म्हणजे एव्हरीथिंग गोज फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। त्यांनी मला एक सुटकेचा आहे दिलेला आहे की घरातली माझी खोली जर सगळं वास्ताव्यस्त असली, एकही काम धड नाही, बायकोकडनं जे शिव्या मिळतात त्याला मी न्यूटनचा आधार घेऊन उत्तर देतो एन्ट्रॉपी, एव्हरीथिंग गोज फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। यांनी हे शोधलं तरी त्याचं समाधान झालं नाही, पुढे गणिताची अख्खी ब्रँच कॅल्क्युलस त्यांनी शोधली। इट वॉज लिबनिस द जर्मन सायंटिस्ट हू ऍट द सेम टाइम ऑल्सो डेव्हलप दिस ब्रँच कॅल्क्युलस। कॅल्क्युलस अगर पढणे की नौबत आ गई तो जहां तक शुरू शुरू में होता है, पहला उसका एक इक्वेशन होता है f ऑफ x टेंड्स टू 0 1 इनफिनिटी, तो हम देख लेते हैं ठीक है झगड़ने की क्या बात है, आप क्या कह रहे हो, 0 है ना तो 0 है, f ऑफ x टेंड्स टू 1 तो 1 है, इनफिनिटी है तो इनफिनिटी है, इनफिनिटी म्हणजे आडवा पडलेला 8 असं मी त्याला नाव दिलं, 8 चा आकडा दमला तसा आडवा पडतो।
के इन्फिनिटी होते हैं एफ ऑफ एक्स, अपन थोड़ा समझ में आता है ठीक है एफ ऑफ एक्स टेंड टू जीरो बन, उसके बाद शुरू होते हैं डिटरमिनेंट्स। अच्छा दोन दांडे इकड़ त्याच्यात ए बी आणि सी डी, इकडे दोन दांडे आहेत त्याच्यात ए एफ आणि जे एच डिटरमिनंट्स, आणि ते इंटरॅक्ट होत नाही। जे चार मोस्ट बेसिक मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार बेसिकली काही चार नाही आहेत, दोनच आहेत। आणि बेरजेचीच उलटी बाजू म्हणजे वजाबाकी आहे आणि गुणाकाराचीच उलटी बाजू म्हणजे भागाकार आहे, म्हणून बेसिकली दोन आहेत। आणि मग अभ्यासात खोल जातात ते सांगतात की तेही बरोबर दोन वाटतात, प्रत्यक्षात ते एकच आहे। हा आपला वेदांताचा विचार आहे, भारताचा अध्यात्माचा ज्यावर उभा आहे अद्वैत एकच आहे, एक आहे। मॉडर्न आय टी ऑल्सो प्रूव्स दॅट, आता मी त्याच्यात जात नाही। पण डिटर्मिनंटचे हे चार ऑपरेशन होतच नाही, डिटर्मिनंट्स असले तर त्यांची आपसात बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार होत नाही। का होत नाही तर शाटपणा नाही करायचा, न्यूटननी सांगितलंय। आपण म्हणतो बर बर बर, मग त्या उभ्या दांडीला असं स्क्वेअर ब्रॅकेट जर तयार झालं की त्याचे होतात मॅट्रायसेस, मॅट्रायसेस झाले की ते इंटरॅक्ट होतात बेरीज वजाबाकी। आम्ही डिटर्मिनंटचे होत नाहीत पण मॅट्रायसेसचे का होतात ते पुन्हा पुन्हा तोच तोच प्रश्न का विचारतात। तुला सांगितलं ना मगाशी एकदा, इथपर्यंत गाडी धक्के खात जाते, एकदा का डीवाय बाय डीएक्स चालू झालं की आपण म्हणतो उद्या भेटू, चेंज इन वाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, आणि त्यातलं पण डिफरन्शियल कॅल्क्युलस आणि इंटिग्रल कॅल्क्युलस हे आपण म्हणतो की धर्माधिकारींचं करिअरवर काही सत्र आहे का, पर्याय सांगतात असं मी ऐकलेलं आहे वेगवेगळे। अरे काय बंधन आहे का बाबा की नाही नाही गणित आलंच पाहिजे आणि तरच तो मुलगा मुलगी हुशार आहे। ओके उसी में क्या सिर्फ इंजिनियरिंग ही अच्छा करियर है, बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेडिकल है ना अच्छा करियर, किसके लिए है अच्छा, तो जिसको बायोलॉजी में रुचि है। तरी हे जे माझं असं भाषांच गंमत माझी चालू राहणार आहे त्याच्यामध्ये, तर बायोलॉजीच्या पण अशा दोन ब्रँचेस बॉटनी आणि झूलॉजी। पण माझ्या चॅलेंजवर सांगतो मी तुम्हाला की बिलकुल डॉक्टर मंडळींशी सुद्धा बोलून पहा, 10,000 to 9,999 हे या दोनांकडे काहीतरी आहे त्यांना जास्ती आवडतं असं सांगतात। कोणीतरी म्हणतोच की त्याला ते झूलॉजी नको वाटतो, ते अंगावर काटा आहेत, ते बेडक, ते अशी हाताच्या तगड्या फाकून पिनेरी टोचले टोचलेलं असतं त्याला डिसेक्शन करण्यासाठी, त्याला जिवंत ठेवून डिसेक्शन करायचं असतं, त्याचं धडधड तर हृदय दिसलं पाहिजे, ते पाहताना कोणाला तरी 14 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळचं स्वतःच हृदय आठवत असत। किंवा त्या बायोलॉजीच्या लॅब मध्ये वेगवेगळे मानवाचे अवयव किंवा नाक साप फॉर्मॅलिन मध्ये घालून ठेवलेले असतात, त्या अंगावर काटा येतो कोणाच्या, किंवा ते लॅबच्या दारामध्ये असा हाडाचा सांगाडा ठेवलेला असतो, आता ते कोणाला त्याच्याकडे पाहून स्वतःचीच आरशात पाहतोत की काय, कोणाला घरी मध्यरात्री दचकून जाग येते का तो सांगाडा आपल्याकडे चालत येतो असं, बंधन आहे का की नाही बायोलॉजी आवडलंच पाहिजे। तर तो कोणतरी म्हणतो त्याला हे झूलॉजी नाही आवडत, मला बॉटनी आवडतं। बॉटनी कसं, फ्लॉरा अँड फौनापैकी फ्लॉरा आणि सगळी हिरवीगार सृष्टी आणि फर मुख्यतः वापरतात बॉटनी, तर कोणीतरी म्हणतो मला बॉटनी आवडतं, कोणीतरी एक्झॅक्टली त्या कारणाकरता म्हणतो की ह्या बॉटनी का फार व्हेजिटेरियन विषय मिळेल, ह्याला तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा आवडतो, का बंधन आहे का, त्याला नंतर खायला द्यावं का, मी दे नंतर विचारेन तुम्ही नॉनव्हेज खाता का असं। पण काय बंधन आहे काय तर, त्यामुळे बायोलॉजी मेडिकल चांगलं करिअर आहे का, कोणाकरता आहे, ज्याला बायोलॉजी हा विषय आवडतो समजतो सहजपणे, ज्याचं मन बुद्धी बायोलॉजी मध्ये रमते, बायोलॉजी त्याला चॅलेंजिंग वाटतं, तास चालू असला किंवा पुस्तक वाचायचं असलं तरी त्याला बायोलॉजी अवघड वाटत नाही, उलट तो ती व्हॉट एव्हर बायोलॉजीच्या तासाची वाट पाहतो, ते त्याचं क्षेत्र आहे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ किताबों की एग्जाम में जितने मार्क आते हैं निकल के आते हैं उस आधार पर ही उस युवक या युवती का मेजरमेंट उसको मापा जाए, गलत है, बहुत गलत है। और उसमें करियर की भी जो हायरार्की या पिरामिड है, पिरामिड रचा हुआ है कि जैसे टॉप में सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल है, और फिर अगर वो ना कर पाए तो फिर बीएससी कर लेते हैं, उसका एक निगेटिव एक तरह से कि कोई अपने आप
बाय चॉइस बीएससी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह हो, और अभी बीएससी की बहुत सारी ब्रांचेस नई नई निकल के भी आई है, कंप्यूटर में किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इंडस्ट्रियल जेनेटिक्स है, बहुत सारी है, लेकिन शायद ही कोई बाय चॉइस बीएससी में जाते हैं। कोशिश तो होती है कि मेडिकल करना है, उसमें भी एक पिरामिड, मैं समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिकल में भी एक पिरामिड है, इंजीनियरिंग में भी एक पिरामिड है। मेडिकल के करियर के बारे में सोच लो तो कोई बाय चॉइस आयुर्वेद या होम्योपैथी में नहीं जाता है, सबको चाहिए एमबीबीएस ही करना है, एलोपैथी है। वो अगर नहीं मिल पाया मेरिट पर तो क्या मैनेजमेंट कोटा है, पिछले दरवाजे से है, डोनेशन दे दो, कैपिटेशन फी, लेकिन एमबीबीएस ही करना है। एमबीबीएस के जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब सोचा जाता है कि हर हालत में डॉक्टर तो बनना ही है, तो फिर आयुर्वेद के बारे में सोच लो, या होम्योपैथी है, या बाराक्षा है, जो भी है, योग है। उसी तरह से इंजीनियरिंग में भी अपना एक पिरामिड है। श्रीधरन साहब की जब मैंने कहानी बताई तो उस वक्त भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझा जाता था नंबर वन, अब मुझे बताया जाता है देखे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन जहां हाईटेक इंस्ट्रूमेंट बनाने के वगैरह वगैरह। कॉमर्स तो सायन्स ला प्रवेश मिळाला नाही तर कॉमर्स ला जायचं, फार चुकीची समजूत आहे। आणि मी कमी वेळा पण मी तुम्हाला जोक सांगणार आहे, आता ऐकून म्हणून आपल्याला मजा येते, तो माझा निकष असतो बोलताना की ऐकणाऱ्यांना मजा आली पाहिजे। त्याच्यामध्ये एकच जरा नॉनव्हेज शब्द आहे, तेवढी पूर्वपरवानगी मागून ठेवतो कारण त्याच्याशिवाय जोक नीट सांगता नाही येणार। आणि एवढं पण सांगतो की हा मला माझ्याच एका विद्यार्थ्याने माझ्या एका अमेरिकेच्या प्रवासात सांगितला। There is a young 22-year-old Canadian boy working in a pizza shop. Canada से वो अमेरिका में किसी जॉब के लिए आया है, तो पिज्जा शॉप में काम कर रहा है, तो एक कस्टमर आ जाता है, तो इसको जो ट्रेनिंग है अच्छी सी कि कस्टमर का स्वागत हसमुख चेहरे से करना है, ते का पुण्यातलं दुकान नाही है, कसा लाला तर हा हसत मुख त्याचं स्वागत करतो, गुड मॉर्निंग सर, इज इट इट अ फाइन डे एटसेट्रा। तो आलेला कस्टमर म्हणतो मुझे पूरा पिझ्झा नहीं आधाही चाहिए, म्हणजे कस्टमर पुण्यातला असणार। तर सेल्स बॉय हसून त्याला म्हणतो नो प्रॉब्लेम, बट आय डोंट हॅव अथॉरिटी टू सेल हाफ अ पिझ्झा, द ओनर ऑफ द शॉप इज देअर ऍट द बॅक ऑफ द शॉप, आय विल आस्क हिम प्लीज वेट। म्हणून तो वळतो आणि असं मागे चालत जातो, तो मागे मागे मालक असतोच, त्या त्या मालकाकडे चालत जात असा हात करून म्हणतो देर इज अन ॲसोल आस्किंग फॉर हाफ अ पिझ्झा। हा सभ्य शब्द आहे, पण आता लक्षात घ्या की मी यांना हात गाळला तर पंचलाईन नाही उरत त्याला, तो असं वळून मागे जात देर इज अन ॲसोल आस्किंग फॉर हाफ अ पिझ्झा। आता हा जो काउंटरवरचा कस्टमर आहे तो त्याच्या मागोमाग येतो दुकानात, आता तर गॅरंटीड 7 पिढ्या पुढे। त्यामुळे हा तरुण पोरगा आपल्या मालकाच्या दिशेने चालत असेल, देयर इज अन ॲसोल आस्किंग फॉर हाफ अ पिझ्झा, तो मला फक्त शिकून करत असेल दॅट ॲसोल इज राईट बिहाइंड यू। हा तरुण मुलगा हा तसाच ठेवतो आणि म्हणतो बट फॉर्च्युनेटली दिस जेंटलमन इज रेडी टू टेक द रिमेनिंग हाफ, सो मे आय सेल इट। तो आलेला कस्टमर खुश होतो आणि दोन पिझ्झे घेऊन जातो, अर्धा घ्यायला आला, मालक खुश होतो दॅट यू आर वेरी मॅन, यू आर स्मार्ट मॅन, यू आर स्मार्ट, वेअर डू यू कम फ्रॉम। तर तो असं स्वतःबद्दलच्या जरा कमीपणाने सांगतो, हो आय कम फ्रॉम कॅनडा। आता आपल्या भारतीयांच्या दृष्टीने कॅनडा एक विकसित प्रगत देश आहे, अलीकडे तो त्या खालिस्तान चळवळीला आधार देतोय ते बघून घ्यायला आपण समर्थ होतो, पण कॅनडाला अमेरिकेसमोर जरा कमीपणा वाटतो। अमेरिका अजूनही वर्ल्ड पॉवर आहे, अजून तरी आहे, लवकरात लवकर ती वर्ल्ड पॉवर राहता कामा नये याचा डोनाल्ड ट्रम्प पाठोपाठ प्रयत्न करतो, आता ते बघू काय होतं, पण अजून तरी आहे। त्यामुळे कॅनडाला थोडा कमीपणा वाटतो, तर हा खुश झालेला मालक जेव्हा म्हणतो मॅन यू आर सो स्मार्ट वेअर डू यू कम फ्रॉम, तर जरा कमीपणाच्या येतो सांगतो आय कम फ्रॉम कॅनडा।
तर मालक म्हणतो ओ कॅनडा कॅनडा इज अ ग्रेट कंट्री. तर पोरगा म्हणतो नो कॅनडा इज अ कंट्री ऑफ होर्स अँड आईस हॉकी प्लेयर्स. हे त्याचं त्याच्या देशाचं वर्णन आहे. कॅनडा इज अ कंट्री ऑफ होर्स अँड आईस हॉकी प्लेयर. त्याला कुठली तरी मुलगी नाही म्हटलेली असणार. पण त्याचा प्रॉब्लेम नुसता त्याला नाही म्हटली पाशी नाही, दुसऱ्या कोणातरी हो म्हटलेली असतात. म्हणून आला निघून अमेरिकेमध्ये आणि आता द होल कॅनडा इज कंट्री ऑफ होर्स अँड आईस हॉकी. म्हणजे हा मालक सांगायला जातो आनंदाने दॅट मॅन यू आर सो स्मार्ट वेअर यू कम फ्रॉम. हा कमीपणाने की आय कम फ्रॉम कॅनडा. मालक म्हणतो हो कॅनडा कॅनडा इज अ ग्रेट कंट्री. हाच म्हणतोय नो कॅनडा इज अ कंट्री ऑफ होर्स अँड आईस हॉकी प्लेयर्स. मालक म्हणतो माय वाईफ इज फ्रॉम कॅनडा. आणि हा तरुण मुलगा चेहऱ्यावरची एक रेषही न बदलता म्हणतो दॅट्स ग्रेट विच आईस हॉकी टीम डज शी प्ले फॉर. ही बुद्धिमत्ता नाहीये. इज दिस नॉट इंटेलिजन्स ऑर इज इट इज इंटेलिजन्स ओनली टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द एक्झॅम अँड द मार्क्स यू स्कोर. दिस इज इंटेलिजन्स. दिस इज कम्युनिकेशन स्किल मार्केटिंग स्किल्स हजर जबाबी पण आहे समय सूचकता है. दिस इज इंटेलिजेंस. एंड फाइनली आर्ट्स की बात कर लो तो जो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जिन्हें जिन्हें दूसरे किसी ब्रांच में प्रवेश न मिले उन्होंने जाना है आर्ट्स में. किसने बताया द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी आर दे नॉट अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस एंड आर डू डू दे नॉट गिव अस अ गुड करियर. And various literature, कविता ही बुद्धिमत्ता नाही आहे. चांगली कथा लिहिता येणे आपली ही नागपूरची भूमी सुद्धा एकाहून एक महान इकडे शेजारी रामटेकर कालिदासची भूमी अख्खं मेघदूत तिथं लिहिलं गेलं. मग मेघदूत लिहिता येण्याची ही बुद्धिमत्ता नाही. आणि नागपूरमध्ये आज सुद्धा एकाहून एक महान साहित्यिक राहतात कलाकार आणि साहित्यिक. एकाहून एक उत्तम कविता आता सुरेश भट शरीराने आपल्यात नाही पण त्यांच्या एकेका कवितेवर असा जीव ओवाळून टाकावं असं वाटतं. तिकडे मोठं सभागृह झालं त्याच्या तिथला कार्यक्रम असताना मी म्हणालो की त्यांच्या आयुष्याला न्याय मिळाला आहे. माझे ते खूप जवळचे मित्र होते आणि त्यांना जगण्यामध्ये किती दुःख होतं हे सगळं मला माहिती आहे. पण नागपूरमधलं सगळ्यात आलिशान सभागृह आणि त्याला नाव सुरेश भटांचं आहे. मारे एक एक उशक काल होता होता काळ रात्र झाली केव्हा तरी पहाटे उलटून रात्र गेली. कुठली तुम्ही कुठलाही आणि बुद्धिमत्ता नाही कुसुमाग्रज असं करायचं असतं. कवी कुलगुरू कुसुमाग्रज त्यांच्या एकेका कवितेवरून जीव वाढवत नाही बुद्धिमत्ता नाही. फार मोठी गैरसमज आहे. और फिर भी अभी तक जो मैं उदाहरण बता रहा हूं सभी एक ही क्षेत्र के है और साइकोलॉजी में उसको नाम है एकेडमिक इंटेलिजेंस. एकेडमिक इंटेलिजेंस के मायने वे अलग अलग जो विषय है या तो किताबी पढ़ाई के विषय और उसका भी मेजरमेंट मापन करना हो तो सिर्फ मार्क कितने निकल आए सब गलत फहमी. और अब तक हमने एकेडमिक इंटेलिजेंस के बारे में ही देखा. अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्रिकेट अच्छा खेलना बुद्धिमत्ता नहीं है और अच्छा करियर नहीं है और अमिताभ का अभिनय और लता दीदी और आशाबाई की आवाज और जिस तरह के गाने वो गाते हैं वो हिंदी फिल्मी गाने हो तो लता भाई और आशा भोसले हैं. क्लासिकल हो तो बहुत सारे पंडित जसराज जी हैं भीमसेन जी हैं उस्ताद अमीर खान साहब थे और अभी उनका शिष्य रशीद खान. तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है. और जिस उदाहरण में मैंने कहा कि जैसे श्रीधरन साहब के इंजीनियरिंग में जाने में बुद्धिमत्ता और अच्छा करियर है उसी तरह से आर्ट्स में जाके बाद में यूपीएससी दे दी और आईएएस हो गया और प्रशासन चलाया कुशलता के साथ वो भी बुद्धिमत्ता है. और आखिरकार राजनीति भी ये मत समझना कि राजनीति सिर्फ गुंडों का काम है. अगर वो अब गुंडों का बन गया है तो कहीं हमारे जनतंत्र में वो कमी है. लेकिन मूल रूप से राजनीति भी एक बुद्धिमत्ता का और महत्वपूर्ण क्षेत्र है. आखिरकार हमारी सरकार हमें चुनते हैं और कारोबार वो चलाते हैं पॉलिसीज उन्होंने करना है लेकिन बुद्धिमत्ता